हेलो दोस्तों, मैं साहू, साहू चैनल में स्वागत है। आज हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिस स्टॉक का नाम है CDSL। CDSL बहुत बढ़िया स्टॉक है, जिसमें इस स्टॉक का काम है जो जिस तरफ हम डीमैट अकाउंट में शेयर को होल्ड करके रखते हैं, CDSL सिक्योरिटी देते हैं हमारा शेयर को, इस स्टॉक का काम है। तो इसी में बहुत रेवेन्यू जनरेट और प्रॉफिट ज़्यादा बनता है, तो इसलिए स्टॉक का मूवमेंट बहुत बढ़िया रहता है। तो इसलिए स्टॉक को हम रिकमेंडेड करते हैं इसमें होल्डिंग के लिए। इस स्टॉक का अभी चार्ट पढ़ेंगे, कैसा रहेगा आने वाला समय में मूवमेंट और अभी का मूवमेंट में कैसा ट्रेडिंग रहेगा। तो इसका अभी मंथली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट में यहाँ से शुरू हुआ था, कम से कम 100 के आसपास इसमें शुरू हुआ था। अभी आप देख पा रहे हैं ये कम से कम हाई बनाया, 1390 के आसपास हाई बनाया, 1390 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। अभी जो प्राइस बन रहा है ये फ्लैग पैटर्न टाइप का बना है, मैंने ऐसे ऐसे फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न के बाद ये कम से कम आप यहाँ से फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट कब कहाँ से करेगा ना, 1500 के पास ब्रेकआउट करेगा। इस 1500 जो आप देख पा रहे हैं 1500 के पास ब्रेकआउट करेगा। तो ऐसे वन डे कैंडल हम देखेंगे, वन डे कैंडल में फ्लैग पैटर्न टाइप का स्विमिंग बना कर जा रहा है। अभी फिर स्विमिंग बनाएगा, कम से कम 1300 से लेकर 1400 के बीच में वो रेंज बना रहे, तो आपको इसी रेंज के आसपास में ख़रीदना चाहिए, कम से कम 1300 से लेकर 1400 के बीच में जो प्राइस मिल रहा है इसी आसपास में ख़रीदना चाहिए। और आपको टारगेट बना के रखना है, लॉन्ग टर्म बेसिक में टारगेट बनाना है, कम से कम 1600 1700 1800 ऐसे टारगेट बनाना है। जैसे आप यहाँ से आप वीकली भी देख सकते हैं, वीकली भी देखिए आराम से यहाँ से मोमेंट दिया है, फ्लैग पैटर्न टाइप का बना रहा है और धीरे धीरे वही 1300 और 1400 के बीच रेंज बनाएगा। 1400 रेंज जैसे कंप्लीट होगा, यहाँ 1500 ब्रेकआउट देना और वहाँ से बहुत बढ़िया मूवमेंट आएगा, कम से कम 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। आप CDSL को बना सकते हैं होल्डिंग के बेसिक पे। तो CDSL अच्छा शेयर है, तो उसका आप लॉन्ग टर्म बेसिक में होल्डिंग बनाए। उसका हम फंडामेंटल अभी पढ़ेंगे, फंडामेंटल में कैसे रिएक्शन देता है और प्रॉफिट जनरेट होता है कि नहीं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते, ये रहा उसका फंडामेंटल। ये फंडामेंटल आप देख पा रहे हो, ये 1 ईयर रिटर्न दिया है, कम से कम 1 ईयर रिटर्न दिया है, 187% रिटर्न दिया है 1 ईयर में, और 1 मंथ रिटर्न दिया है 7.60% रिटर्न दिया है, और 52 वीक हाई बना रहा है, 1579 का हाई बना है, और डिविडेंड दिया है 0.67 का डिविडेंड दिया। अच्छा है, पी रेशियो भी बहुत बढ़िया है और सेक्टर पी रेशियो भी 28 के आसपास है। 52 वीक लो 458 लो बनाए इस साल बहुत बढ़िया। इसका चार्ट भी देख रहे हैं, रेंज बाउंड बहुत बढ़िया चार्ट भी बनाया, तो आप यही उम्मीद कर सकते हैं। उसका जो फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, हम आगे जानेंगे उसका जो चार्ट विंग पे कैसा रहता है फंडामेंटल और डिटेल, डिटेल इन्फॉर्म में हम देखेंगे इसका रियल फंडामेंटल कैसा रहता है। यहाँ पर देखें एंट्री पॉइंट आप देख पा रहे, एंट्री पॉइंट यहाँ पर ठीक गुड है, डिविडेंड रिटर्न भी बढ़िया, रिटर्न FD भी बहुत बढ़िया, यानी इसको लेना चाहिए। होल्डिंग बेसिक में आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ भी आप 40% यहाँ एनालाइज्ड बोल रहे हैं, इसको लीजिए होल्डिंग के लिए। और इसमें ये चीज़ देखिए, ये उसका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है 103 करोड़ 2018 में हुआ था, 19 में भी 113 करोड़ हुआ, 2020 में भी 106 करोड़, और अभी 200 करोड़, मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। आप देख पा रहे कम से कम 40% प्रॉफिट जनरेट हुआ है 2020-21 में। तो यही आने वाला समय में ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बढ़िया स्टॉक रहेगा CDSL। इसको लॉन्ग टर्म के लिए बेसिक में ध्यान से रखिए, इंट्राडे मत खेलिए, इंट्राडे में ज़्यादा लॉस होता है, तो लॉन्ग टर्म बेसिक में खेलिए तो आपको हमेशा प्रॉफिट रहेगा। यही हुआ वीडियो का रिकमेंडेशन, CDSL शेयर कैसा रहा आप कमेंट शेयर लाइक करके बताइए। आप जो एंट्री पॉइंट रहेगा 1300 से 1400 के बीच में एंट्री करिए आराम से, आपको 600 से 500 पॉइंट तो आने वाला समय में आराम से दिख जाएगा ये, तो इसको होल्ड करके रखिए। CDSL शेयर सबसे बेस्ट शेयर है। तो यही रहा वीडियो में, हम जो बताए रिकमेंडेड शेयर है, अच्छा शेयर है, इसको आप अपना पोर्टफोलियो में रखिए। ठीक है दोस्तों, कैसा रहा वीडियो, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक
जरूर करिए, क्योंकि मेरा थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम है, थोड़ा लैंग्वेज कट रहा है, तो कोई बात नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं। किंतु लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।